हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एंटायर सर्विस प्रोसेस डिटेल में डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। गाइस ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम लोग इसका प्राइस शेयर करने वाले हैं। गाइस अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। नाउ गाइस अबाउट मोटोफिक्स। मोटोफिक्स इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ न्यू एज कार रिपेयर वर्कशॉप ऑफरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड एसेट रिलेशनशिप विद इज कस्टमर। विद ओवर 100 प्लस वर्कशॉप्स अक्रॉस 5 मेजर सिटीज वी हैव 1.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। नाउ गाइस इफ यू हैपन टू विजिट अवर वर्कशॉप यू मे सी वी यूज लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वी हैव अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस टेकिंग केयर ऑफ योर कार ऑल टाइम। नाउ गाइस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस एंड वी गिव रियल टाइम अपडेट ऑफ एवरी वर्क गेटिंग डन इन योर कार। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस कार में हम यूज़ करने वाले हैं। सो द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर दिस कार इज 5W30। सो आपका सर्विस पैकेज डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स ऑप्ट करते हो एंड कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो। सो गाइस फॉर दिस कार आपको इंजन ऑयल के चार ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये है 5W30 मिनरल ऑयल जो कि बेसिक ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 325 रुपीज़ पर लीटर। एंड देन नेक्स्ट आता है ये 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये थोड़ा बेसिक ऑयल से एडवांस रहता है। ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो इसका प्राइस शुरू होता है 430 रुपीज़ पर लीटर से। एंड नेक्स्ट ये 5W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये एडवांस इंजन ऑयल है एंड ये फुली सिंथेटिक है। इसका प्राइस शुरू होता है 530 रुपीज़ पर लीटर से। लास्टली ये है 5W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑयल है एंड ये आपके कार के इंजन को प्रोटेक्ट करेगा एट द हायर टेम्परेचर्स। ये सबसे एडवांस इंजन ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 750 रुपीज़ पर लीटर से। हर टाइम हम ऑयल चेंज करते हैं उसके साथ ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करना होता है। तो प्राइस फॉर द ऑयल फिल्टर ऑफ पेट्रोल कार इज 92 रुपीज़ एंड आप OES आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हो जो कि थोड़ा कम कॉस्ट होगा कम्पेयर टू द OEM पार्ट्स। डीजल कार के ऑयल फिल्टर का प्राइस है 375 रुपीज़। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों इंस्पेक्ट करेंगे। अगर उसका रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट रहा तो हम रिप्लेस करेंगे और एल्स उसे एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। पेट्रोल कार के एयर फिल्टर का प्राइस है 235 रुपीज़ एंड डीजल कार के एयर फिल्टर का प्राइस है 345 रुपीज़। एसी फिल्टर का प्राइस है 315 रुपीज़। नेक्स्ट हम इस कार में कूलेंट और ब्रेक फ्लूड टॉपअप करने वाले हैं। कूलेंट का प्राइस है 411 रुपीज़ पर लीटर एंड ब्रेक फ्लूड का प्राइस है 324 रुपीज़ पर लीटर। आपकी कार को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग दोनों फेंडर्स को फेंडर कवर लगाते हैं एंड सीट को कवर करते हैं। सो इन एवरी जनरल सर्विस हम लोग सबसे पहले इंजन ऑयल इंस्पेक्ट करते हैं थ्रू डिपस्टिक। हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कोई स्लजिंग वगैरह तो जमा नहीं हुआ है। सो सिंस दिस इज द पेट्रोल कार एंड ये कार 1.5 ईयर्स से सर्विस नहीं हुई थी तो कस्टमर आस्क अस टू यूज़ द इंजन फ्लश एंड इसे फ्लश की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज ऑयल में ब्लैकनेस आना शुरू हो चुका था। टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है। ये इंजन फ्लश है और इसका प्रॉपर कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको पुराना इंजन ऑयल ही रखना है गाड़ी में और उसके साथ इसे मिक्स करना है और कुछ 10 मिनट्स तक गाड़ी को आइडियल पोजीशन में रखना है और गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं करना है ना गाड़ी को कहीं मूव नहीं करना है और 10 मिनट्स के बाद प्रॉपर ये मैंने पुराने ऑयल के साथ इंजन फ्लश को डाल दिया और गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। 10 मिनट तक मुझे अभी गाड़ी को ऐसे ही आइडियल पोजीशन में रखना है और बिल्कुल भी रेस नहीं करना है और 10 मिनट के बाद पूरा इंजन ऑयल ड्रेन आउट करना है। कार को हाइड्रोलिक रैम से ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेयरिंग्स फ्रंट का बॉल जॉइंट रैक प्ले इंस्पेक्ट करेंगे। अभी हम गाड़ी के चारों व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। अभी फिलहाल फ्रंट का चेक कर रहे हैं और फ्रंट के व्हील बेयरिंग में तो कोई नॉइज़ नहीं लगा और ऐसे ही हम लोग बॉल जॉइंट चेक करेंगे, लोअर आर्म बॉल जॉइंट चेक करेंगे, रैक प्ले चेक करेंगे। ऐसे ही हम फ्रंट के दोनों व्हील बेयरिंग चेक करेंगे, रैक प्ले चेक करेंगे, बॉल जॉइंट चेक करेंगे और रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। अभी रियर का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे हैं। रियर के व्हील बेयरिंग में भी नॉइज़ नहीं है। ऐसे हम रियर के दोनों व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे एंड इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे।
अभी हम फ्रंट का ब्रेक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें ब्रेक पैड की हेल्थ चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो ब्रेक की हेल्थ कैसी है, बहुत ही कम थिकनेस बचा है ब्रेक पैड का, जिसकी वजह से ब्रेक पैड के डिस्क के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। आप देख सकते हो ये कॉलर बन चुका है और काफ़ी मेजर लाइनिंग आ गई है। तो हम कस्टमर को इसका कोटेशन शेयर करेंगे, कस्टमर अप्रूवल देते हैं तो हम इसका आगे का काम स्टार्ट करेंगे। जब भी हम ब्रेक सर्विस करते हैं तो इसको सर्विस करने टाइम आप कैलिपर पिन को ग्रीसिंग कर लो, बिकॉज ये करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो एकदम फ्री होता है। अभी रियर का ब्रेक इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी इसमें ड्रम निकालने के लिए आपको स्पेशली वो दो तरफ बोल्ट नहीं दिया रहेगा, आपको मिडल का एक नट निकालना है जो 30 mm का है, और इजीली ड्रम ऐसे ऐसे घुमाते हुए आपका इजीली खुल जाएगा। इसमें हैमरिंग नहीं करना है, हर गाड़ी में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, कहीं कहीं आपको बोल्ट का भी रहेगा, कहीं कहीं आपको ये नट का भी रहेगा। रियर का ब्रेक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले लाइनर की थिकनेस चेक करेंगे, क्या हेल्थ है वह हेल्थ चेक करेंगे, लाइनर की हेल्थ ओके है। उसके बाद सेकेंड हम इसका व्हील सिलेंडर चेक करेंगे, व्हील सिलेंडर ओके है, कोई लीकेज नहीं है। अभी इसको सिर्फ सर्विस की ज़रूरत है और सर्विस करके हम इसको फिर से इसका ड्रम फिक्स कर देंगे। मैं कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करेंगे, जहां हमारे टेक्नीशियन आपको एक्सप्लेन करेगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हम इस गाड़ी का अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करने वाले हैं, जिसमें पूरा टोटल सस्पेंशन चेक करेंगे, कुछ चीज़ डैमेज है क्या वो भी चेक करेंगे, लिंकेज ओके है, एक्सल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉल जॉइंट भी ओके है, पैराटोन भी ओके है, बट इसके शॉकअप से ऑयल लीकेज है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका ऑयल लीकेज है, शॉकअप वीक है इसके फ्रंट का, और इंजन ऑयल वगैरह चेक करेंगे कहीं से लीकेज है क्या। कूलेंट लीकेज है क्या वो चेक करेंगे, बुशिंग भी ओके है, साइलेंसर चेक करेंगे, साइलेंसर कहीं से इंपैक्ट है क्या, टैंक चेक करेंगे, फ्यूल टैंक, और सारी पाइपलाइन वगैरह चेक करेंगे, और रियर का शॉकअप भी चेक करेंगे कि रियर शॉकअप से ऑयल लीकेज है। ये सब हम कस्टमर को बताएंगे और कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। बोथ साइड शॉकअप लीकेज है। नेक्स्ट हम इस कार का पुराना इंजन ऑयल भी ड्रेन करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे। अभी हम ये पुराना ऑयल फिल्टर इसका निकाल रहे हैं। इंजन फ्लश करने के बाद हमें एक बात का ध्यान रखना रहता है कि इंजन ऑयल पूरा प्रॉपरली ड्रेन हो। नेक्स्ट अभी हम इसका ऑयल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वन एंड द न्यू वन। अभी हम लोग ये न्यू ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने वाले हैं। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करते टाइम हमें एक बात का ख्याल रखना है कि उसके ओरिंग्स को भी लुब्रिकेट करना चाहिए एंड देन उसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पुराना इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है, उसमें से बहुत स्लज निकल चुका है एंड अभी हम इसका ड्रेन बोल्ट प्रॉपरली टाइट करेंगे, कार को नीचे लेंगे एंड देन इसमें न्यू इंजन ऑयल फिल करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं एंड इसका रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। हम इस कार का कूलेंट भी टॉप अप करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल तक टॉप अप कर देंगे। ब्रेक ऑयल भी टॉप अप करेंगे
इसका भी मिनिमम मैक्सिमम लेवल चेक करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक टॉप अप कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एयर फिल्टर अच्छा है, इसका रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम एयर प्रेशर से क्लीन करेंगे और वापस से यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर टेक्नीशियन इसका एयर फिल्टर का कंडीशन अच्छी कंडीशन में, सो इसे हम एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। हम इस कार का एसी फिल्टर भी इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एसी फिल्टर भी अच्छा है। सो अकॉर्डिंग टू आर टेक्नीशियन इसका एसी फिल्टर भी अच्छी कंडीशन में, सो इसे हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। कार का बैटरी इंस्पेक्शन करने वाले हैं थ्रू मल्टीमीटर। हम लोग कार को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करके बंद करेंगे एंड चेक करेंगे बैटरी का हेल्थ। बंद करो, स्टार्ट करो, बंद करो, सारी लाइट डालो। नेक्स्ट अभी हम कार के सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करेंगे एंड देन फिर से कार को स्टार्ट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कार की बैटरी लोड कितना ले रही है। बैटरी ओके है। सो अकॉर्डिंग टू आर टेक्नीशियन कार की बैटरी की हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट हम इस कार के चारों स्पार्क प्लग इंस्पेक्ट करेंगे। चारों स्पार्क प्लग हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसमें इसका पहले तो श्रैंक चेक करेंगे, तो श्रैंक की इधर से क्रैक नहीं है, और इसका फिलर गेज से इसका गैप चेक करेंगे। अभी टायर इन्फेक्शन करेंगे। ये 2015 का टायर है और इसमें क्रैक चेक करेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी क्रैक टायर में, और टायर ये डेप गेज से हम टायर का डेप गेज चेक करेंगे। 2 mm एंड 3 mm के मिडल में है, तो इसको रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट है। हम कस्टमर को रिपोर्ट सेंड करेंगे, कस्टमर अप्रूवल देते हैं तो हम रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हेडलाइट्स, हाई बीम लो बीम, हैजर लाइट्स, हॉर्न, वाइपर्स, ब्रेक लाइट्स, रियर हैजर्ड्स, रिवर्स लाइट्स, हम इस कार के विंडोज़ चेक करेंगे। सिंस दिस इज़ द बेसिक मॉडल, तो इसमें पावर विंडोज़ नहीं है, बट हम इसका फ्री मूवमेंट चेक करेंगे सारे विंडोज़ का। एसी, एफएम, कैबिन लाइट्स, हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक करेंगे कि उसमें कोई एरर्स है या नहीं है। इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। अभी हम जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में, अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर फोम वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, इंजन बे पॉलिश करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। गाइस, अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। गाइस, इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर डिजायर स्टार्ट फ्रॉम ₹2,999 ओनली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ़।